ये देखो भाई गाड़ी में चाहिए मेरी तुम्हारी अलग बात है ना। इंग्लिश बोल रहा है एल्विश। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो हमारा सारा सामान पैक हो चुका है जाने के लिए। मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि हम जाने वाले हैं कहीं पर, जो कि नेक्स्ट व्लॉग में, जैसे ही मैंने बताया था उसमें पता लगेगा। तो अभी हम पैकिंग शुरू कर दिया। तो जैसे ये कीबोर्ड वगैरह सारा कुछ हो गया, ठीक है। और इधर ये बैग वगैरह पड़े हैं, बाकी सामान भी हो गया ऑलमोस्ट। तो बस 2-3 दिन हम यहाँ पे और हैं, फिर हमें शिफ्ट करना है यहाँ से। उसका रीज़न मैं बताऊँगा क्यों बाद में। तो अभी के लिए हम चलते हैं, गाड़ी में थोड़ा सा काम होना है, वो कराना है। तो बस रेडी होते हैं, खाना खाते हैं और निकलते हैं। तो खाना हुआ खा लिया भाई हमने, अब निकलते हैं। यार इसमें ना पता नहीं ऐसे आ रही है जैसे दवाई नहीं होती गाड़ी में, है ना। इसका आज वो भी ले लेंगे, क्या कहते हैं, फ्रेशनर। अभी निकलते हैं फटाफट। अपना योगेश चहल भाई, मैं ना तुम्हें वजह बताता हूँ हम गाड़ियाँ इतनी जल्दी जल्दी ठीक क्यों कराते हैं। ये देखो हमारे यहाँ की सड़कें देखो कितनी प्यारी हैं, दिख रही है। ये हमें जब कहीं भी जाना होता है ना, ऐसे समुंदर पार करने पड़ते हैं, तब जाके हम निकलते हैं। तो अब ऐसे में भाई गाड़ी के ना लग जाते हैं, इसलिए गाड़ी बार 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 ठीक करानी पड़ती है। अंकल डूब गया अभी अंकल डूब गया था ये स्कूटी वाला। अब ये देखना इतना पानी है यार, कहाँ से इसमें करें आपा। अब गाड़ी वाला तो फिर भी निकाल ले, पर बाइक वाले को दिक्कत होती है ना। मुझको इतना पता है कोई कैसे तुझे से। गाड़ी होगी भाई, गाड़ी हमने दोबारा काम करने के चक्कर में। भाई गाड़ी का हाल देखो, सारी गाड़ी में ना क्या कहते हैं पानी भर गया बरसात में। और एक जैसा हमारे घर के हाल देखे हैं ना तुमने कैसे है, बढ़िया। उसकी वजह से सारी गाड़ी का नाश बचेगा। अब काम कराना पड़ेगा इसको फालतू। मेरी तुम्हारी अलग बात है ना। 3,000 को कम क्योंकि बनते ले लेते 800 तो संभालना जाएगा। ऊपर कम से बेल्डिंग करेंगे, बेल्डिंग में 200 संभालना। काम तो करो तुम, फिर बात तो फिर करेंगे। ये देखो भाई सारा पानी पानी घुस गया इसके अंदर। ये देखो भाई गाड़ी में छेद, बुरा हाल हो गया ना गाड़ी का, खड्डा हो गया खड्डा। काम शुरू हो गया भाई, देखो तो गाइस अभी अपना काम चल रहा है यार। ओ भैया लगे हुए हैं, देखो मेहनत कर रहे हैं पूरी। गाड़ी में छेद हो रखा था। और ये वो दिखा दे यार अपनी क्या भाई, अमीर बंदे यार स्मार्ट वो दिखा दे अपनी। भाई आपकी तो आगे, अरे हमारे पास तो है ही ना, अरे हमारे पास तो चेन है भाई। ये जो 130 का बीपीएम दिखा रही है, कौन सी बीपीएम अरे हम तो बढ़िया स्मार्ट वॉच लेंगे यार, हम ना ले लेंगे तुम्हारे जैसी, समझ आएगी बात। आज ब्लॉग आ रहा भाई शाम को, इसकी करतूतें देख लेना। आज की मार रहा था ये, वही तो बात है। छोटे बाल का सबसे बड़ा फायदा है कि क्या कहते हैं, अपना कंघे से दूर रहो, ड्रायर से दूर रहो, हाथ यूँ मारो और सेट। चाहे टोपी डालो, हेलमेट डालो, कुछ भी डाल लो, सेट हो जाते हैं। तो अभी बस थोड़ा सा काम रह गया गाड़ी का, इतना नहीं है आज। हम कुछ लोवर वगैरह देखने थे, वो देख लेते हैं यार, अगर सही से मिल जाए यहाँ पे। बाकी फिर लेके चलते हैं शाम को, शायद कुछ और भी आना पड़े, 2-3 काम है वहाँ पे, ठीक है। चलते हैं अभी, देखते हैं क्या क्या करवाना है बाकी। कौन सा ये नाइकी का, सामान वगैरह भी ले लिया हमने भाइयों। यस, एक लोवर ले लिया, एक शॉर्ट्स ले लिए जिम के लिए, बस अभी गाड़ी का काम देखते हैं कितना रह गया। और फौजी कह रहा है वो खिला रहा था आज मैकडी, फौजी मेरे को मैकडी ना क्या भाई मैकडी मैकडी की मील खिला रहा है फौजी, कह रहा भाई हम कुछ नहीं खिला रहे, कह रहा तेरे जाने से पहले तू जो बोलेगा वो खिलाऊंगा मैं कहा चल ठीक है भाई। 28 को आ रहा है फिर क्या? 28 को क्या आ रहा है? कोई बात नहीं। तो भाई ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, बस कोटिंग हो रही है अभी। ये ब्लैक इस कोटिंग से ना अगर जो भी पानी वगैरह का थोड़ा सा होता है ना वो रुक जाता है, तो ये वाला काम रह गया बस। और इसके बाद अपन चलते हैं। तो भाई अपना काम हो चुका है यहाँ पे डन सारा का सारा। बस अभी योगेश थोड़ा आगे काम से गया हुआ था, तो कुछ खा लेते हैं, लंच कर लेते हैं और लंच के बाद फिर निकलते हैं घर के लिए। बाकी घर जाके देखते हैं क्या बाकी बचे हुए पेंटिंग काम क्या थे। पिंजौर जाना है एक बार, गेड़ा ज़रूर मारना शाम को। थोड़ा सा जाने की तैयारी चल रही है, कहाँ जाना है वो बता देंगे बाद में, पर वो काम इम्पोर्टेंट है तो वो करना है। लो भाई इससे ही मिल लो गंजे से, देखो देखी तो देख दांत आ गए इसके, आकर दे ही कहते दांत दिखा दे, दांत दिखा दे ये कर दे हुई 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 आओ। तो अभी थोड़ा हाँ गाड़ी का काम करा लेते हूँ, सेल वगैरह डलवाने थे, अंकल से पूछते हैं क्या होगा वो जो चीज़ ऐसे निकलती वाला। भाई ब्लॉग आ गया अपना। ओ यार कर दे फुल कर दे यार, तो फुल ही कर रहा हूँ, दिखाइयो क्वालिटी। ब्लॉग आ गया, जाके ब्लॉग देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब करो चैनल को जल्दी से जल्दी। फुल क्वालिटी चेक के देख, अगर ऐसे देखे तो वो ब्लॉग मार दूंगा। नहीं है हाँ सही बात, आप यहीं पे कमरा ले लो आसपास, रोज आएगा अंदर जाके वो कर। भाई बिग बॉस कौन कौन देख रहा है यार, अब मैं कसम से कह रहा हूं इसको देख के स्वाद आ रहा है। पहली बार ना लाइफ में पहली बार बिग बॉस शुरू करा है, इनकी उस वक्त चौथी दिखाता हूं मेरे को। शक्ल देखो, शक्ल से ना मतलब जैसे देखते वैसे हंसी आने लग जाती है। बैठतेगा इनको इनकी रेल बनाएगा एल्विश, देखिएगा इंग्लिश बोल रहा है एल्विश, देखो कुछ कह रहा है वो, जूते कैसे। भाई फुल सपोर्ट है, वोटिंग वोटिंग डाल दिया करो। कह रहा उसके टाट में देता भी नाच के। गाला कटी जा रहा है, उधर चला गया जेड के पास, तेरा आया वापिस। भाई इसका मुंह तोड़ दो जिया का, बहुत गुस्सा चलाया भाई उसने। भाई माहौल भयंकर चल गया, अब टिकट टू फिनाले मिलने वाला है। किसको जिया 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 और एल्विश में जब देखते हैं किसको मिलता है। रम्मी है यो बेबी का सही बात है। रम्मी है अरे बेबी का बहुत ज्यादा उसकी साइड होगी। हाँ जी आगे राय ये है कि किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि किसी एक को मिलना अनफेयर होगा, क्योंकि उन दोनों का गेम में एग्जैक्टली 58 देखिए तो मोटी को डंडों को यार एल्विश को मिल जाना चाहिए था यार, इन्हीं की वजह से तो टीआरपी आ रही है, जीए को नहीं मिलना चाहिए। पता नहीं यार देखते हैं ना अभी बिग बॉस क्या करता है। किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, बिग बॉस आ गया भैया। उनका ये मानना है कि दोनों का गेम में सेम 58 मोदी थे। अच्छा और दो लोगों का ये कहना है कि किसी एक को मिलना चाहिए, तो मेजॉरिटी ये कहती है कि किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। बिग बॉस क्या है? रुक रुक रुक, एल्विश और जिया में से किसी को भी टिकट टू फिनाले भी नहीं मिलना चाहिए। तो आपके फैसले को सारा आंखों में रखते हुए आप सभी को ये बताना चाहेंगे कि टिकट टू फिनाले वीक कोई भी नहीं जीतता है, कोई भी नहीं जीतता। सही है, सही ये सही हो गया सिस्टम। इस घर का कोई कैप्टन भी नहीं है। सही होगा भाई, सही बात है। अब हो गया सट भाई, जिया भी जा सकती थी वरना। चल एल्विश को निकल ही जाएगा, एल्विश को सपोर्ट है भाई, अपन वोट वोट भी डाल देते हैं, डाल देगा वो, ठीक है। और जिया नहीं जाएगी। और अभी नाश को गाली लिख दो कमेंट में, हाँ गधा लिख दो, गधा 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 लिख दो, गधा बच्चा बेवकूफ का बच्चा। तो गाइज आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू।